भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वसहायक को लेकर पूरे मध्य प्रदेश का एक दिवसीय प्रशिक्षण आज भोपाल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और कार्यक्रम के भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व देश में इस कार्यक्रम के प्रभारी श्री तरुण ध्रुव, भाजपा प्रदेश महामंत्री सुहास भगत, मध्य प्रदेश के कार्यक्रम प्रभारी सत्येंद्र तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंदसौर से इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के जिला संयोजक डॉक्टर विजय राठौर, अंकित सोनी और महेंद्र परिहार भी उपस्थित थे। यह आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसद को लेकर प्रशिक्षण था कार्यकर्ताओं का, जो जिला स्तर से मंडल स्तर पे और मंडल स्तर से बूथ स्तर तक ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह प्रशिक्षण जो है, ये कोरोना की तीसरी लहर की जो तैयारी है, ये भारतीय जनता पार्टी की उसकी तैयारी है। क्योंकि कल हमने अन्न महोत्सव मनाया, हमने माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज जी ने पहले लोगों के ऐसा कह सकते हैं कि अन्न की चिंता करी है, और अब भारतीय जनता पार्टी जो है पहले से ही स्वास्थ्य की चिंता करती आ रही है और आगे फिर अब आगामी लहर को देखते हुए फिर स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। उसी को लेकर आज यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल में यह कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण है, और यह प्रशिक्षण जो है इसमें बहुत अच्छी जानकारी माननीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण जी चुग, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी और माननीय प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने हमको प्रदान करी है, और माननीय सुहास भगत जी जो हैं उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है आगामी कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमको यहाँ पर दी। धन्यवाद।